286 ना। अरे तुमने पैसा 386 डाल दिया यार। ये तो फिल्मों में देखा था, आज रियल में देख रहा हूँ भाई। देख लो आप, इसके ब्लॉग चैनल पे मिलेगा ऐसी चीजें। ये देखो भाई आज क्या पार्सल आया, जबरदस्त है। जो ये दिख रहा है संसार में जो है वही दिखेगा भाई। अब ये बताओ बुक किस, आप में से किसी ने किया भाई ओला? ये ले, ये देखो तो मेरा फोटो आया क्या? और क्या दिखाओ, पर मैं डालो, पर मैं देखूंगा उसको कौन सा वीडियो आया। 11 गुड़गांव से मानेसर जा रहा हूँ। क्या हाल करा रखा है टोल का। ओ मरा। हे दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूँ आपका दोस्त विश्वनाथ। एक न्यू वीडियो न्यू ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। वंश को देखो, ये वंश है क्या? तो दोस्तों आज का जो मैंने अभी जस्ट एक वीडियो एडिट किया है बड़ी जल्दी में। कौन सी वीडियो एडिट किया है कि आप लोग भी पोर्टर और बोर्जो में एक्स्ट्रा किलोमीटर के पैसे ले सकते हो, तो वो देख लेना। तो आज का जो प्लान है दोस्तों, हम लोग, मैं और वंश, मतलब मैं अकेला जाऊँगा। हम कहाँ जा रहे हैं पापा, कहाँ जा रहे हैं? तो आज मैं जा रहा हूँ गुड़गांव अभी एक पार्सल लेके, और आज पूरे दिन हम जो है गुड़गांव में ही राइड करने वाले हैं बाइक। तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, और होप सो थोड़ा वीडियो जो है लंबा हो जाएगा, तो प्लीज़ पूरा देख लेना, है ना वंश? साथ में हमारा वंश भी है, इसका भी चैनल सब्सक्राइब कर देना, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में। अरे वाह, चलो वंश को थोड़ा सा हम ना बाइक पे घुरु घुरु करना है, उसके बाद फिर पापा निकलेंगे। अभी दोपहर के हो रहे हैं 11:30, मतलब मॉर्निंग के 11-12 बज रहे हैं, 1 बजे तक मैं निकल जाऊँगा। चले वंश, चलो 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 चलो। अरे अरे अरे, पहले भाग गया ये पहले ही। दोस्तों वंश ना आज हेलमेट पहनेगा, और वंश ने हेलमेट अपना बहुत गंदा करके रखा हुआ है। ये तुमने इतना गंदा कर दिया है वंश? क्यों, इतना गंदा कैसे हो गया तुम्हारा हेलमेट? चलो पहले सर में कपड़ा लगाओ, सर में कपड़ा लगाओ। कहाँ है कपड़ा? हाँ तो लगाओ उसको फटाफट, सर में लगाओ, जल्दी लगाओ सर में। हाँ सर में, हाँ लगाओ सर में, लगाओ जल्दी से सर में लगाओ कपड़ा ये वाला। हाँ सर में लगाओ, जल्दी जल्दी लगाओ। हाँ वेरी गुड वेरी गुड, यस वंश सीख गया भाई। अरे वाह, कमाल कर दिया वंश तुमने यार। अब जल्दी से हेलमेट पहन लो। तुम पहन लोगे? अच्छा पापा पहना देते, लाओ। छोड़ दो उसे, छोड़ दो, आओ। हाँ तो दोस्तों अब वंश को जो है पापा हेलमेट पहना देंगे। और तुम्हारा मास्क क्यों लाया नहीं, आज मास्क नहीं पहनोगे? तनु मास्क दे देना वंश का, मास्क पहले ना। दोस्तों इसको लगाना बहुत जरूरी होता है ना, तो इसको ऐसे करके देखो, ऐसे करके आप लोग भी सीख लो, बहुत मज़ेदार चीज़ है। हर राइडर को ऐसे लगाना चाहिए, और सभी डिलीवरी पार्टनर्स को ऐसे यूज़ करना चाहिए, अपना प्रोटेक्शन रखना चाहिए, समझ गए आप लोग? अरे मास्क तो दिया हुआ है, ठीक है, थैंक यू। चलो मास्क लगा लिया मैंने, वेरी गुड, यस। अब ऐसे लगा के रुक जाओ, अब हेलमेट लगा लो, ऐसे करो। अयो अयो, देखा अपने दोस्तों को, ये कैसे लग रहे हो? अरे वाह, कैसा लग रहा है दोस्तों वंश, मस्त ना? चलो अब हम लोग बाहर एक राउंड लगा के आते हैं, चलो। अच्छा चलो बाय कर दो फिर, फटाफट हम घूम के आए, दोस्तों को बाय कर दो, बाय करो। चलो वंश तुम चालू कर दोगे बाइक? है यार मेरी बाइक ना, मैं इस बार फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि मंथली एक महीना हो चुका और अभी तक बाइक धोया नहीं है, तो इस बार धोऊंगा। और हमारे यहाँ थोड़ा रोड का काम चल रहा था, जिसके वजह से बाइक को यहाँ रखना पड़ रहा है खुले में। साफ़ तो हो गया वंश तुम्हारे बैठने लायक, चलो बैठ जाओ, घुमा लाऊं तुम्हें, है? ये ना वंश जो है बाइक तो चला लिया, अब ये चलाएगा ट्रैक्टर, तो तुम खुद चढ़ जाओ। ऊपर चढ़ना है, ऊपर चढ़ना है। अच्छा चलो, उसे ऊपर ट्रैक्टर में बैठना है भाई, बैठा दो, आ जा, चलो बैठ। अब वंश ना ट्रैक्टर में बैठेगा, देखो आओ। अरे बाबा रे, जा अयो बैठ जा, हेलमेट पहन के ट्रैक्टर कौन चलाता है? अरे वाह वंश, हेलमेट पहन के ट्रैक्टर चलाओगे क्या? कैसे हॉर्न बजता है, कैसे बजता है हॉर्न बजाओ? हाँ तुम्हें सब पता है क्या? ये देखो दोस्तों हम आ गए, ये चाइनीज संतरे नारंगी बोल रहा है भाई। तो वंश घूमते घूमते यहाँ आ गया, इन्हें मुझे आज पूरा लेट कराएगा, मेरे को जल्दी जाना है, उस दिन ये घुमा रहा है मेरे को इधर उधर।
चलो वन सब चलें क्या? मम्मी को लाएंगे हैं, फिर हम यहाँ पे फ्लावर्स खरीदेंगे, ठीक है? ये भी है, अच्छा है। चलो आप चलो, चलो भाई चलो, पापा जा रहे हैं, बाय। ये अच्छा है बंस? अच्छा है वो भी, अच्छा है। अरे वाह, चलो चलो भाई, लेट हो जाए, पापा को भी काम है ना। हाँ चलो चलो भाई चलो, पापा लेट हो जाएंगे। दोस्तों ये जो राइड है, ये एक तरीके से कह सकते हो आप पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों ही है। एक्चुअली किसी और की राइड है ये, मतलब उसको डिलीवर्ड करना था पार्सल, बट उसकी तबीयत जो है वो ख़राब हो गई थी, तो मुझे बोला कि भैया आप कर सकते हो क्या। तो जैसे मैं कई लोगों के ऐसे, मेरे कुछ लोग सब्सक्राइबर भी होते हैं ना, कि वो कहते हैं कि भैया आप मुझे वहाँ तक ड्रॉप कर सकते हो क्या। तो मैंने, मुझे इंस्टा पे बहुत से लोगों ने किया है, मैंने दो से चार लोगों को ऐसे कहीं ड्रॉप भी किया है। नोएडा का ये वाला सिग्नल ऐसा है ना दोस्तों, कि अगर आपने यहाँ से बिना हेलमेट डबल सवारी ले गए या फिर सिग्नल तोड़ा, तो चलान होना ही होना है। ऊपर नीचे हर जगह कैमरे कैमरा है यहाँ पे। तो जी दिल्ली में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। अब दिल्ली से, यानी ये कोंडली का एरिया है, यहाँ से मुझे लेके जाना है गुड़गांव। मिक्स हाउसिंग मयूर विहार फेस 3। तो जी दोस्तों पार्सल ले लिया है, गिफ्ट पैक है। ओ कब, हाँ क्या नाम है इसका? क्या नाम है? स्कूबी। मेरा भी चैनल है। मेरा ये है। अच्छा, क्या बोलो नाम, चैनल का नाम बोलो। आपका? अरे अभी प्रमोट हो जाता मेरे 30,000। अच्छे लोग बड़े खुश होते ब्लॉगर को देख के। वो पार्सल ले लिया है, अंकल कह रहे बाइक अंदर नहीं जाएगी, मैं यहीं लगाओ, तो हमने यहाँ लगा दिया भाई। हाँ चलो अब इसको लगा लेते हैं। एक्चुअली जो मैम थी कह रही थी भैया ये बैग आप पिट्ठू लगाओगे क्या? मैंने कहा नहीं मैम, ये ना टैंक पे ऐसे चिपकेगा, सो इसे सेफ रहता है। तो कह रही अच्छा अच्छा, क्योंकि गिफ्ट आइटम है ना, तो ज़्यादा पिट्ठू में हिलेगा डुलेगा तो दिक्कत है, यहाँ पर क्या है सेफली रहेगा। तो वहीं दिखाऊँ या आप लोगों को एक बार दिखा दूँ क्या है पार्सल? तो दिखाई देता हूँ। ओ माई गॉड, क्रिसमस है, तो क्रिसमस गिफ्ट लेके जा रहा है दोस्तों आपका वी एस के डिलीवरी पार्टनर आज। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना वी एस के डिलीवरी पार्टनर को। घर से आया हूँ 10 किलोमीटर और 42 ये 52 किलोमीटर, यानी 520 एक तरफ से, उधर का आने का पता नहीं। और इसमें एटलीस्ट 500 से 550 रुपये का मिलना चाहिए था, कितना मिला है एंड ऑफ द वीडियो बताऊंगा। ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। एक प्रो टिप दे रहा हूँ दोस्तों, जब भी आप लोगों को रूट पता हो ना, तो वो रूट भी यूज़ करो, अदरवाइज आप जीपीएस का सहारा लोगे तो ऐसे ही होगा। मैं बिल्कुल दिल्ली के बीचों बीच से घूमता हुआ गुड़गांव जा रहा हूँ आज। क्या कर सकते हैं, एम्बेसी ऑफ ग्रीस, कतार, डेनमार्क, मैं सारे एम्बेसियों के बीच से आज मैप के सहारे जा रहा हूँ दोस्तों। मुझे हंसी आ रही है अपने आप पे, मैंने ये रूट चूज़ क्यों किया यार, आराम आराम से जाने के लिए क्या। हाँ 3 लीटर फोन पे दूंगा है, पर्ची इसी में से निकलेगी। अच्छा हो गया, 386 रुपीज़ 35 पैसे। कितने का हुआ ये? 286.35 ना। अरे तुमने पैसा 386 डाल दिया यार। मैं कह रहा यार कैसे, मुझे अचानक ध्यान आया ये कैसे हो गया यार, आप 100 रुपये गलती हो गया। हाँ मैं एक्चुअली क्या, मैं भी मैसेज देखा ना, मैं वो हो गया, मैंने यार तुमने गलती से डाल दिया, मेरे को भी ध्यान नहीं रहता तभी चल देता। 3 लीटर और पैसा मिक्स कर दिया था, इसलिए हो गया गड़बड़। चलो जी अभी तो पूरा 21 किलोमीटर बाकी है। वो देखो दोस्तों एकदम जहाज उतरते हुए, कल हमारे एक सब्सक्राइबर थे मिस्टर राकेश, हाँ वो मुझे भेज रहे थे यहाँ का
फोटो भेज रहे थे कि यार देखो सर मेरे छत सर के ऊपर से जा रही है प्लेन। मैंने कहा हमारे भी सर से जाती है प्लेन जब हम वहाँ आते हैं। तो ये है भैया अपना गुड़गांव। दोस्तों मैं ना ड्रॉप कर दिया है, जो पार्सल लेके आया था वो दे दिया है, और रील आपको VS के डिलीवरी पार्टनर इंस्टा आईडी पे मिल जाएगा। तो पता नहीं आप लोग फॉलो क्यों नहीं करते यार मेरे को VS के डिलीवरी पार्टनर पे, वहाँ पे डेली स्टेटस डालता हूँ, सब कुछ डालता हूँ, फॉलो करो ठीक है इंस्टा आईडी पे। और दोस्तों अभी क्या हुआ, मैं काफ़ी देर से देख रहा था कि कोई ऑर्डर तो मिले, कोई ऑर्डर मिले मतलब, बट ऑर्डर ही नहीं मिल रहा था। तो मैंने फाइनली बोर्जो में लोकल जो है एक राइड मिली है, 5 किलो का वजन दिखा रहा है। अब चलो उसको पिक करते हैं और ड्रॉप करेंगे। तो मैं कटेरपुरी रोड घूम रहा हूँ गुड़गांव में। आप लोग बोलते हो ना सर क्या आप गुड़गांव आते हो डिलीवरी करने, या गुड़गांव में चलाते हैं कि नहीं, तो देख लो आज मैं बोर्जो की पिकअप करने जा रहा हूँ गुड़गांव में। लोग दोस्ती निभा रहे हैं, ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे। और अरे अभी एक दो और आ जाएंगे भाई, अरे एक दो और ले लो बीच में। वाह गुड़गांव भी अपने नोएडा से कम नहीं है, बढ़िया सड़कें हैं। 5 किलो आइटम है भैया, क्या है 5 किलो देख लेते हैं। अरे आज तो मैं वेटिंग मशीन नहीं लाया हूँ भाई, मैं तोलूँगा कैसे कि 5 किलो से ज़्यादा हुआ तो 20 रुपये किलो के हिसाब से एक्स्ट्रा चार्ज करना है कस्टमर से। मैम पोर्टर बोर्जो से बोल रहा हूँ मैम। हाँ जी हाँ जी वीफास्ट से। ये आपका मैं यहाँ हूँ काकू पिज्जा करके गए जो, नहीं मेरे को तो नहीं पता है, मैं तो GPS देख के आया हूँ आपका। लोकेशन आपका जो डला हुआ है ना ये यहीं पे हूँ, साईं बीकानेरी स्वीट्स करके एक शॉप है। अब देखो दोस्तों 90 रुपये की राइड है, ये 90 रुपये की बुकिंग है, 5 किलो का आइटम है। अभी मैम बोल रही है कि लोकेशन चेंज है, तो अब ये जितना घुमाएंगे मतलब कि इधर उधर से भाई यहाँ वहाँ, और तो मैं उसे बोल दूँगा कि उनसे मैं बोल दूँगा कि मैम लोकेशन आपका ये है, अगर इसके ऊपर जाऊँगा तो मैं इसका अलग से चार्ज लगेगा। अब देखते हैं वो मानेंगे या नहीं मानेंगे। तो भाई ये गड़बड़ हो गई, देखो कस्टमर ने लोकेशन यहाँ का डाला था, मैं यहाँ पहुँच गया हूँ। अब इन्होंने वापस जो लोकेशन शेयर किया है वो शेयर किया हुआ है मेरे को 14 किलोमीटर दूर का यहाँ से पिकअप के लिए। तो इस यहाँ पे लोकेशन ख़त्म हुआ था वो वाला, अब इन्होंने अपडेट कर दिया है। क्या कस्टमर कॉल पिक नहीं करें, देखो यहाँ का लोकेशन डाल के अब चेंज कर दिया लोकेशन, इसलिए मुझे बिल्कुल भी मन नहीं करता है दोस्तों जो आपका बोर्जो वीफास्ट चलाने का। बताओ ड्रॉप कितनी दूर है यहाँ से, पिकअप के लिए अब कौन जाएगा 15 किलोमीटर, ड्रॉप 10 किलोमीटर यहाँ से, 100 रुपये मिलना नहीं है। चैट पे डालो कंप्लेन, दानिश तालिब शुभम आई वॉन्ट टू विड्रॉ आई एम वेटिंग मैं पार्सल, ये कस्टमर कह रहा है एनी रीज़न टू गिवन डिले बाय कस्टमर। भैया कस्टमर चेंज द लोकेशन नाउ, इसे भैया ने मुझे दिया 2 चेंज, बट थैंक यू भाई। ये भी यूट्यूब पे डाल, बिल्कुल डालेंगे। तो यार चेंज नहीं था आज मेरे पास, बहुत दिक्कत होती आंखें ले भाई, पहले बाइक वो करना 40 40। हाँ ये अच्छा, अब 50 हो रही, अब 53 हो रही, 50 हो रही, अब और महंगी हो जाएंगी। अच्छा पैसे हो गए हैं। अच्छा जी बुक नहीं करता मैं। हाँ ना टेम्पो का क्या है, बाइक सही है, बाइक सही है ना बेस्ट है, कहीं कहीं निकल के आ जाता। हाँ और ट्रैफिक में नहीं फंसोगे। अब आप कितने देर प्रैक्टिस करोगे बॉक्सिंग का? 2 घंटे। 2 घंटे चलो, क्या बेटा क्या क्या करोगे, क्या खाओगे, कुछ भी दिला दूँ? ये ले, ये देखो क्या है बाइक वाला ऐसे ऐसे कर रहा है, उसके वो कुछ आदमी बैठा। फिर अब कब आएगी वो कौन राइड? तो ये मेरे ओला में दोस्तों आज गुड़गांव में राइड ले रहा हूँ, ये गुड़गांव का है लोकेशन, कॉलेज है कोई भाई, बॉक्सिंग खेलेगा भी यहाँ पे।
अरे आपने बुक किया भाई ओला बाइक? कौन से पार्क में भाई? हाँ ना भाई, ये अरे कौन से पार्क में? हाँ कैमरा है, किसने बुक नहीं किया यहाँ पे? ये कह रहा है, अबे यार क्या दिखता है इससे वैसे भैया? जो ये दिख रहा है संसार में जो है वही दिखेगा भाई। ये चैनल है हमारा यूट्यूब पे भी, इसके ब्लॉग। अब ये बताओ बुक किस, आप में से किसी ने किया भाई ओला? कितने रुपए बेटा के? कितने रुपए दिया? 290 रुपए था। 290 रुपए? हाँ। एक छोटा सा बैग पर फोन करा, कौन सी स्कूल? इसी स्कूल के पास बोला था यार। कहाँ पे? ये कोई बेल पब्लिक स्कूल है ना, सेक्टर 10, ब्लू बेल्स। फोन कर लूँ ना? हाँ भाई, इसका फोन नहीं उठा रहा यार, मुझे लगा था फोन का बैटरी चले गया हो। यहीं इंतजार करेंगे यार, अब कैंसिल मार दिया बंदे ने। सबको दिखा रहा हूँ। तो काफी देर दोस्तों इन सारे भाइयों के साथ बहुत मजा आया बातचीत करने में। बहुत मजा आया। अभी वो लंबा वाला भाई तो भाग गया, और इन सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट जो है वो ये है, इसको यूट्यूब का बहुत पता है। चालू है भाई ये रे हमारे भैया। क्या नाम है आपका? मनमोहन। ओ भाई, तभी मनमोहन सिंह जी थे ना हमारे प्राइम मिनिस्टर। वो पता है इकोनॉमिक्स थे बहुत बड़े, इसलिए तुम्हारी इकोनॉमिक्स इतनी अच्छी है। काफी देर से वोट कर रहा हूँ, लास्ट ऑर्डर 50 का लिया था ओला में, वही था। 4:48, 4:50 हो गया, अंधेरा होने वाला है थोड़ी देर में। अभी मैं हूँ दोस्तों सेक्टर 10 गुड़गांव सिविल हॉस्पिटल के पास, देखते हैं राइड आएगी क्या। भाई साहब गुरु, यहाँ पे ऑर्डर देखो बोर्जों में कितने सारे आ रखे हैं अभी फास्ट में। ये देखो 25-30 ऑर्डर पड़े हुए हैं, बताओ। मैं अभी गुड़गांव सेक्टर 10 में हूँ, और सेक्टर 7 से आई हुई है मेरे पास बुकिंग पोर्टर में। चलो पिक कर लेते हैं, और शायद 70 या 76 रुपए की है ये, मतलब सामने का ही होगा, ज़्यादा दूर नहीं होगा। तो भाई अब नोएडा की तो मिल नहीं रही है राइड, तो सोचा चलो लोकल ही करते रहे ऐसे ही। और अभी इस समय पे अगर मैं नोएडा निकलूँगा ना, तो मतलब ऐसा जाम में फंसूँगा बहुत बुरी तरीके से, इसलिए मैं अभी लोकल ही करता रहूँगा। 9:30-10 बजे निकलूँगा यहाँ से, जब खाली हो जाएगा सब कुछ। और ठंड का जो मज़ा आएगा रात में भाई साहब, वो तो मैं आपको रात को ही फीलिंग शेयर करूँगा। देवीलाल नगर में आपका स्वागत है। तो जी गुड़गांव के गलियों में भी घूमते हुए सुबह से, पोर्टर वाला भैया, पोर्टर वाले भैया आ गए, पोर्टर वाले भैया। यहाँ राइड आ रही है रैपिडो में, तो कहाँ से ले लूँगा। चलो निकलो, ऊपर है मैडम, हम तो यार ब्लॉक कर रहे हैं, हम वहाँ घुस गए दूसरे गेट में। इसमें सामान भेज रहे हो क्या? फिल्मों में देखा था यार, आज रियल में देख रहा हूँ। इस ये है बैग्स भैया, पेमेंट उधर, पेमेंट पैसे वो देंगे या आप देंगे? वो उधर देंगे आप देंगे? ठीक है, ये तो फिल्मों में देखा था, आज रियल में देख रहा हूँ भाई। देख लो आप, इसके ब्लॉग चैनल पे मिलेगा ऐसी चीज़ें। ये देखो भाई आज क्या पार्सल आया ज़बरदस्त, 200 सोप। तो ये तो हमारे इसमें ही आ जाएगा बड़े आराम से, बक्स। चलो जी इसको टैंक बैग में डाल लेते हैं। तो जगह का नाम भूल जाता हूँ अभी, कौन सा नगर बोला था कमेंट करो फिर से ना, आपको याद है तो। देवीलाल नगर, आप लोग क्या कमेंट करोगे उससे पहले मैंने ही पढ़ लिया। पार्सल देना है सर है? पार्सल है कुछ, पार्सल किसके नाम? हाँ होटल के नाम से ही है। हाँ मैं भी मैनेजर साहब मिले हुए, इनको दे रहा हूँ। हाँ वो कर रहा था तो उसको मैंने बताया, मैं कर रहा था। हाँ वो बिल चेक कर रहे हैं। हाँ ठीक है, हम दे दिया। इसका पेमेंट आप देंगे? अरे इसका नहीं, डिलीवरी का, डिलीवरी का पेमेंट, डिलीवरी का अलग है। हाँ 80 रुपये, 80 डिलीवरी का भैया। डिलीवरी करते हुए हम
सारी वीडियो बनाते हैं। तो मतलब ऐसा बताने के लिए कि ये कौन सी कंपनी का डिलीवरी कर रहा है? ये पोर्टर का है। पोर्टर है? पोर्टर यार हमने भी चलाया, अभी 15% काटने लग गए। मतलब हाँ 15 काट रही है अब। मैं तो भाई नोएडा से आया हूँ लेके। ओला में भी सामान मिलता है? नहीं, ओला में कस्टमर मिलता है। वो सामान ही लेता रहूँगा तो बोर हो जाऊँगा क्यों सर? थोड़ा बहुत कस्टमर से भी बातचीत होती रहनी चाहिए ना। हाँ मैम दे दिया, इसका पेमेंट कौन देगा? ये तो कह रहे कि आप उधर बात करो। ये जो देखो दोस्तों, ये है छोटा छोटा साबुन और इसमें टोटल 200 पीस है। कहते हैं ना हाथी के दांत, खाने के कुछ और दिखाने कुछ और, वही हाल यहाँ है भाई। आधा घंटा इंतजार करवा दिया, इधर साइन उधर साइन, 80 रुपये के चलते। ओ मैम को फ़ोन कर रहा हूँ तो उठा नहीं रही है। फाइनली दे दिया साबुन का पट्टी। कोई इंडिविजुअल होता ना मैं उसको बताता कि यार आधा घंटा कोई वेट कराओगे क्या? हैं ऐसे करते हैं, बताओ कस्टमर लोग हमारी कोई वैल्यू नहीं समझते यार, बकवास एक्सपीरियंस। तो ये भैया भी ओला वगैरह चला रहे हैं और मेरे से नाम आएगा नहीं, आपका पूरा आ रहा है जो आप खड़े हो यहाँ। तो मेरा फोटो आया क्या? और क्या दिखाओ, पर मैं डालो, पर मैं देखूंगा उसको कौन सा वीडियो आएगा मेरा। बिल्कुल बिल्कुल खोलो। क्या नाम है आपका? मैं चैनल बना दे रहा हूं, पहले आप चैनल बना के वीडियो डालो। डाल दिया, बन गया है? बन गया। क्या बन गया? ये बन रहा है ना, जो शुरू से अब तक बात हुई है ना सब बन रहा है, सब बन गया। मैं वहाँ से यूटर्न ले लिया, मुझे लगा यूटर्न पास में होगा यहाँ। एक तो पहला है ना मेरा, मैं नोएडा चलाता हूँ ज़्यादा यार। उस फ्लाईओवर के ऊपर कम से कम कस्टमर ने मुझे काफ़ी घुमा दिया, इधर उधर इधर उधर। अब मैं सोच रहा हूँ कैंसिल कर दो। हाँ पेमेंट उधर से आएगा ना या आप दोगे? वो देंगे ठीक है। तो जी दोस्तों अब देखो, सेक्टर 11 गुड़गांव से मानेसर जा रहा हूँ। टाइम 6:44, पार्सल आधा 1 किलो का ये ब्रश है इसमें, और बिल अमाउंट इसका पता है कितना है? 4700 रुपये। अगर खो गया ना कस्टमर मेरे से ले लेगा। इसलिए भाई इसको ऐसे बांधो कि 7 जन्म का रिश्ता बन जाए इससे, ये चाहे तो भी ना जा पाए। ट्रिप स्टार्ट कर देते हैं सेक्टर 11 से। मानेसर बस स्टैंड पे जाना है भैया, ये कितना किलोमीटर है? और ठंड तो आप लोगों को पता ही है क्या ठंड है। 30 मिनट दिखा रहा है 18 किलोमीटर, मतलब कि रास्ता जो है वो धमादम वाला है। या सीधा सीधा भगते चलो। तो गुड़गांव वाले वेट बहुत कराते हैं यार, आज देख रहा हूँ सुबह से। तो दोस्तों ये लो हम आ गए हैं मानेसर टोल पे। अभी यहाँ से जो ड्रॉप लोकेशन है वो काफ़ी दूर है, 7 किलोमीटर। तो जी मानेसर आ गए भैया, मानेसर बस स्टैंड है ये। ये प्रकाश हॉस्पिटल है सामने, लोकेशन वहाँ की दिखा रहे हैं बट है यही। कॉल कर लेते हैं कस्टमर को, दे रहा हूँ मैं अंकल जी को, बात करा देता हूँ। अरे कहाँ है मोबाइल यार, एक मिनट रुको, बात स्पीकर खोल दूँ मैं। हाँ भाई ठीक है। नोएडा से गुड़गांव, गुड़गांव से मानेसर आ गए आज हम। बड़ा लंबा लंबा आज मारे हम। अब यहाँ से 80-90 किलोमीटर है भैया हमारा नोएडा। अरे ये जो कुची है, ब्रूस है, पेंटिंग बनाने वाले है ना। अरे वाह दोस्तों, कुछ खा लेते हैं, मिलते हैं ब्रेक के बाद। छोले भटूरे खा के तो मज़ा आ गया, अब हम ले लेते हैं मूंगफली। लेने का मन कर रहा है। 80 का किलो? किलो सर 100। 1 किलो दे दो मेरे को यार। अब यहाँ से घर है मेरा 85 किलोमीटर, खाली जाना पड़ेगा बिल्कुल। गर्मा गर्म है भाई, मज़ा आ जाएगा। अब बंस देख लेगा ना एक बार, बस उसको छुड़ाते के देते जाओ, छील के खाता जाएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6 इसकी पूरी कमाई लगता है। 100 रुपये की मूंगफली ले ली और ये 120 बोल रहे थे भाई, मतलब 1-10 का है तो एक साथ लेने में 100 रुपये का लगाया है। दोस्तों होटल हयात है ना मानेसर रोड पे, जो वो हयात के
राइट साइड से अपोजिट साइड से गले रास्ता गया हुआ है, जो कौन सा लेपर्ड ट्रायल नहीं है वो वाला रोड गांव है, उसके अंदर से ऐसा फरीदाबाद रोड को निकालती है जो रोड, उसमें निकाल दिया था पहले, मैं उसमें घुस रहा था। तो मुझे याद है भैया रात का टाइम और वो इतनी संकरी रोड है ना, तो इतना डर लगेगा आपको कि आपकी हालत टाइट हो जाएगी वहाँ, चारों तरफ अंधेरा, बस आपके हेडलाइट और आप और चले चले जाओ, है ना, और कहीं गाड़ी कुछ होगी दिक्कत तो बहुत दिक्कत। इसलिए मैंने उस रूट को कैंसिल करके ये नेशनल हाईवे चूज़ करा। गाय का चेयर बैरिकेड लगा रखा है भाई। बाय बाय लीला, हम जा रहे हैं घर को अकेला पीला पीला। अरे कैसा टोल कर रखा है भैया, समझ में नहीं आ रहा है कौन कहां से उगाई कर रहा है, कौन कहां से जा रहा है, क्या हाल करा रखा है टोल का। ओ मरा, अभी रपट जाता, बच गया भाई, बच गया एकदम, संभाल लिया, किस्मत अच्छी थी बंदे की, बहुत अच्छा किस्मत था जो बच गया, नहीं तो ऐसी तैसी हो जाती इसके, ऊपर वाले की दुआ थी उस पर। मैं गुड़गांव से मानेसर इसलिए गया था, मैं कहा यार ट्रैफिक में ऐसे फंसना ना पड़ेगा, लेकिन कहते हैं ना फंसना ही पड़ेगा, किस्मत में नहीं है खाली तो कहाँ से मिलेगा। ठंड के मारे भाई साहब हालत ख़राब थी, उतना अच्छा होगा कि यहाँ पर आग मिला तो थोड़ा रिलैक्स किया शरीर को, अदरवाइज हालत ख़राब हो रही थी। अब थोड़ा यहाँ मूँगफली मूँगफली खाएँगे फिर घर जाएँगे। चलिए दोस्तों, रात के 10:24 हो गया, अब जाके मैं घर पहुँचाऊँ। चलो मिलते हैं अब घर पे, आराम से तसल्ली से बातें करेंगे। फिर चश्मा ला, फिर चश्मा, देखो अब मार खा जाएगा, बस तू बहुत ज़्यादा वॉल्यूम कर रहे हो। थैंक यू सो मच दोस्तों यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए, और आज का जो टोटल मेरी बाइक चली है वो 165 किलोमीटर चली है लगभग, और पेट्रोल आपने देख ही लिया मैंने डाला था 3 लीटर और उसमें ऑलरेडी थोड़ा सा था। हाँ ओ रुक जाओ, और जो इनकम हुई है मेरी आज का ओवरऑल वो हुआ है 735 रुपये ओनली। तो और दोस्तों जो फर्स्ट राइड मैंने लिया था उसका मेरी जो बात हुई थी वो 450 रुपये हुआ था, कि 450 रुपये लेगा, बट मेरे को 360 रुपीस दिया था मैम ने, जिस भाई के लिए मैं लेके गया था ना दोस्तों, उन्होंने एक्चुअली बोला नहीं कुछ तो मैं भी नहीं बोल सका, उन्होंने कहा चलो उनका राइड था इस वजह। तो ये थी दोस्तों आज का पूरा दिन और रात तक का, 10:30 बज गया अभी तो, कितना टाइम हो गया 10:45 हो रहा है अभी, तो पूरा थक गया मेरा ये जो पोर्शन है ना पूरा, थोड़ा थोड़ा पेन करने लगा। दोस्तों चैनल पर नए थे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, मैं इसी तरीके से वीडियोस बनाता रहता हूँ रेगुलर बेसिस पे। क्या है मार खाओगे? अरे वंश तुम नहा लिए थे क्या आज? जब तुम्हारा टीवी भी चल रहा है उधर पीछे। एज ऑलवेज गो फॉर योर पैशन एंड लिव फॉर योर ड्रीम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।